हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आज़म खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फॉरेनर स्टाइल। दोस्तों, आज की वीडियो का बहुत अहम टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको पता होगा कि मैं लग्जमबर्ग में रहता हूं, नियरली 37 to 38 ईयर्स मुझे होने वाले हैं और मैं ज़्यादातर पॉजिटिविटी लग्जमबर्ग के बारे में बताता हूँ, लेकिन आज की वीडियो कुछ डिफरेंट होने वाली है। और वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जो कि मैं आपको लग्जमबर्ग के बारे में बताऊँगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और इसको स्किप ना करें इस वीडियो को, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके कि पॉजिटिव तो चीज़ें हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं जो कि हमें ज़रूर, जब अगर हम यहाँ पे माइग्रेट करना चाहें तो उसे ज़रूर हमें कंसिडर करना चाहिए। तो इस सिलसिले में मैंने सोचा कि मैं आज आपको एक वीडियो बनाऊं, और इस वीडियो के अंदर आपको सारी जो है मैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊँगा जो कि मेरी 37 ईयर्स का जो मेरी लिविंग है उससे मैंने ये चीज़ें जो है ना वो अखज़ की हैं। मैंने जो है मुझे आई केम टू नो दीज थिंग्स, यू नो। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहला जो हमारा आज का पॉइंट है वो है हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। दोस्तों, लग्जमबर्ग का जो है एक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कंट्री है। यहाँ पे जो है पिछले 3 साल के अंदर जो है ना वो मैं समझता हूँ बास चीज़ों की प्राइजेज जो है ना वो डबल हो गई हैं। इवन जो है वो कुछ बजट सुपरमार्केट्स जो हैं, लीडल, अल्दी वगैरह, वहाँ पे भी जो है ना वो प्राइजेज जो है वो बहुत सारी ऐसी ग्रॉसरी आइटम्स हैं जिनकी प्राइजेज जो है ना वो डबल हो गई हैं। तो इस लिहाज से लग्जमबर्ग जो है ना वो बहुत एक्सपेंसिव है और बहुत से लोग जो है यहाँ पर नेबरिंग कंट्री के अंदर जाके जो है वो शॉपिंग करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ जो है यानी फ्रांस और ख़ास तौर पे जर्मनी के अंदर जो है लग्जमबर्ग के मुकाबले में जो है वो चीप है वो। तो इस चीज़ को भी आपको बहुत अपने मतलब उसमें रखना चाहिए कि लग्जमबर्ग जो है वो इतना जो है वो चीप कंट्री नहीं है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। दोस्तों, इस वीडियो का दूसरा पॉइंट है मल्टीलिंगुअलिज्म इन लग्जमबर्ग। यानी लग्जमबर्ग जो है यहाँ पे सेवरल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जिनमें से 3 लैंग्वेजेस जो है यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, लग्जमबर्गिश, फ्रेंच और जर्मन। दोस्तों, इनमें से एटलीस्ट फ्रेंच का आना बहुत ज़रूरी है, और मैंने अपनी मतलब 37 ईयर्स की ज़िंदगी में जो है ना वो ऑब्ज़र्व किया है कि आज से 15-20 साल पहले बहुत से लोग आए, लेकिन वो इन चीज़ों से घबरा के जो है ना वो यहाँ से शिफ्ट हो गए, क्योंकि आपको एटलीस्ट 1 लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है ऑफिसेस के लिए। और जो है अगर आप लोकल किसी सुपरमार्केट वगैरह में जाते हैं तो वहाँ के लिए जो है ना वो लैंग्वेजेस का आना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है ना ड्रॉबैक है, ख़ास तौर पे जो है अक्सर फैमिलीज़ जो है ना वो जब यहाँ पे आती हैं तो अगर बच्चे उनके होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं इन द बिगनिंग, क्योंकि स्कूल्स के अंदर जो है ना वो लग्जमबर्गिश और जर्मन से स्टार्ट होता है और फिर आगे जाके जो है फ्रेंच आती है, तो इस वजह से फैमिलीज़ को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज़ को आपको ख्याल में रखना है। दोस्तों, हमारी वीडियो का जो तीसरा पॉइंट है वो एक्सपेंसिव हाउसिंग। दोस्तों, आप यकीन करें कि यहाँ पे जो है ना हाउसिंग इतनी एक्सपेंसिव है और मिलना इतना मुश्किल है कि मैं आपको बता नहीं सकता। लोग जो है वो ख्वार हो जाते हैं इस चक्कर में, क्योंकि रेंट्स जो हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि जो है ना अफोर्ड करना जो है फैमिलीज़ के लिए मुश्किल है। ख़ास तौर पे जो है बाहर से आए हुए लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अक्सर लोकल्स जो है ना वो प्रेफर करते हैं कि जो यहाँ पे ही रहते हो ना उन्हीं लोगों को जो है ना वो रेंट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता, वो जानते नहीं हैं इनका क्या बैकग्राउंड है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप घर ख़रीदने भी जाएँ
तो इतने एक्सपेंसिव हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता कि अगर आप जो सेंटर में डाउनटाउन में देखेंगे अपार्टमेंट जो है वो 2-2 मिलियन यूरो के अपार्टमेंट हैं, डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर ना। तो रेंट्स बहुत हाई हैं और जो है वो रेंट मतलब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है जो है अपार्टमेंट का, ख़ास तौर पे फैमिली वालों को प्रेफर नहीं करते यहाँ पे जो है ना वो अपार्टमेंट देना। और समझ लें कि 2 बेडरूम का अपार्टमेंट भी जो है ना आपको नियरली जो है वो 2000 यूरो का मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आपकी तनख्वाह ही जो है वो 4000 है तो आपका गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि और दूसरे एक्सपेंसेस भी होते हैं, यूटिलिटी बिल्स वगैरह सब कुछ होते हैं। तो इस वजह से दोस्तों इस सिलसिले में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है डिफ़िकल्ट जॉब मार्केट। दोस्तों इतना ज़्यादा मुश्किल है जॉब का मिलना, उसकी वजह ये है कि जो है वो मल्टीलिंगुअल कंट्री है और डिफरेंट जॉब्स जो है ना लोग पूछते हैं। देखिए मैं यहाँ पे एक एजेंसी है रांड स्टार्ट, उसके बराबर में खड़ा हुआ हूँ, उसके आगे खड़ा हुआ हूँ। तो इतना ज़्यादा मुश्किल है कि जो है ना लोगों को जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सिर्फ एक लैंग्वेज के ऊपर जो है वो ये प्रेफर नहीं करते, अब ये एटलीस्ट जो है वो 2 लैंग्वेजेस आपको आना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे फ्रेंच जो है वो आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है जॉब मार्केट और हाई डिग्री जो है वो डिमांड करते हैं, और उसके बगैर जो है वो आपको जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। इवन जो अनस्किल्ड वर्कर हैं उनके लिए भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यानी आप थर्ड कंट्री नेशनल हैं तो अनस्किल्ड जॉब जो है यहाँ पे मिलना उन लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो वोकेशनल ट्रेनिंग प्लस एजुकेशन और जो है लैंग्वेजेस डिमांड करते हैं। तो जॉब मार्केट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट हियर। दोस्तों अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लोकल एंड फॉरेनर डिवाइडेड। तो दोस्तों आप यहाँ पे डिस्टिंक्टली देखेंगे कि जो लोकल्स हैं वो अपने सर्किल में रहना पसंद करते हैं, और फॉरेनर्स जो हैं उनमें भी ग्रुप्स बने हुए हैं और वो जो है अपने ही ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। मतलब इंटीग्रेशन जो है यहाँ पे इतना आसान नहीं है। इसका एक तो सबसे बड़ा मसला ये है, लैंग्वेजेस का भी है, इसकी वजह से जो है वो इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और थोड़े से मैं कहूँगा कि जो लोकल्स हैं वो थोड़े से कंजर्वेटिव हैं, ज़रा आहिस्ता से बात करूँगा इस सिलसिले में। तो इस वजह से जो है ना बनिस्बत USA और UK के यहाँ पे थोड़ा सा इंटीग्रेशन जो है वो ज़रा मुश्किल है। दोस्तों अब हमारा जो पॉइंट है, लग्जमबर्ग इज़ अ वेरी टाइनी कंट्री, स्मॉल साइज़ की वजह से चीज़ें जो है ना बहुत लिमिटेड है यहाँ पे ना। तो टोटल एरिया ही आप समझ लें कि 2500 किलोमीटर है, जो कि आप एक दिन में पूरे लग्जमबर्ग को डिस्कवर कर सकते हैं। तो इस वजह से बहुत से लोग जो कि जिसे कहना चाहिए कि जिनको ट्रैवलिंग पसंद है वो मतलब लग्जमबर्ग में बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी नहीं हैं कि जिसको आप डिस्कवर करें। हाँ नेबरिंग कंट्री हैं वहाँ पे आप जाके जो है चीज़ों को डिस्कवर कर सकते हैं, लेकिन लग्जमबर्ग इटसेल्फ जो है बहुत ज़्यादा छोटा कंट्री है, जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है यहाँ पर चीज़ें ना। दोस्तों अब जो हमारा पॉइंट है वो ट्रैफिक कंजेशन। दोस्तों यहाँ पे जो है ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा स्टक होने लग गया है अब, ख़ास तौर पे हाईवेज़ पे। उसकी वजह ये है कि जो है ना तकरीबन आप ये समझ लें कि 3 लाख तकरीबन काफ़ी जो है नेबरिंग कंट्री से यहाँ पे लोग जो है ना काम करने आते हैं। तो आप समझ लें कि 2 बजे के बाद ही जो है ना यहाँ पे हाईवेज़ पे इतना रश होने लगता है कि जो है ना आपको गाड़ियाँ जो है बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलती हैं। अब ये कर रहे हैं कि जो है ना रोडों को एक्सटेंड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इतनी देर लग जाती है आपको अक्सर। तो ख़ास तौर पे जो है ना वर्किंग आवर्स के अंदर जो है ना काफ़ी जो है ना वो ट्रैफिक स्टक रहता है, ख़ास तौर पे हाईवेज़ के ऊपर। अगर खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए तो फिर तो समझ लें कि वो घंटों बाद चली जाती है और जो है ना आप स्टक हो जाते हैं जो है वो हाईवेज़ के ऊपर, क्योंकि हाईवेज़ पे जो है ना यहाँ पे मैक्सिमम 2 लेन हैं, जिसकी वजह से जो है वो जो है कंजेशन हो जाता है ट्रैफिक का। दोस्तों अब जो हमारा पॉइंट है कि वो हाई टैक्सेस, यहाँ पे जो है VAT का रेट जो है वो हाई है, तो इस वजह से जो है वो
चीज़ें जो हैं ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, इसीलिए लोग जो है ना यहाँ पर जो है अपने नेबरिंग कंट्री, ख़ासतौर पे आप ये समझ लें कि जर्मनी में जाके शॉपिंग करते हैं, वहाँ पे आपको बहुत चॉइस मिल जाती है और कंपैरेटिवली जो है वो टैक्सेस जो है ना यहाँ वहाँ पे थोड़े से VAT ख़ासतौर पे कम होता है, क्योंकि चीज़ें जो है ना वो एक्सपेंसिव किस वजह से होती हैं, अगर VAT का रेट हाई होगा तो चीज़ें एक्सपेंसिव हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से लोग प्रेफर करते हैं नेबरिंग कंट्री में शॉपिंग करना। दोस्तों अब जो हमारा पॉइंट है वो है अनफेवरेबल क्लाइमेट, जो कि मुझे जो है सख्त नापसंद है ये चीज़ ना। आप यकीन करें कि मुझे इतने साल यहाँ पे रहते हुए हो गए, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा नापसंद लग्जमबर्ग की क्या चीज़ है, बल्कि यूरोप के इस हिस्से की, कि यहाँ पे का जो क्लाइमेट जो है ना वो बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पे कभी पता नहीं चलता है कि जो है ना वो किस टाइप का मौसम होने वाला है। देखें अभी जो है ना वो ऑटम है, और ऑटम के अंदर आप देख लें कि कभी जो है हल्की सी धूप भी निकल जाती है, लेकिन ठंड इतनी शुरू हो जाती है कि मोटी जैकेट पहननी पड़ती है। तो बारिश बहुत ज़्यादा यहाँ पे होती है, इतनी बारिश होती है कि जो है ना वो समझ लें अगर कंटिन्यूस होती रहती है ना बारिश यहाँ पे, बास टाइम ऐसा होता है कि पूरा पूरा वीक जो है ना यहाँ पे बारिश होती है, तो जिसकी वजह से भी जो है ना लोग अक्सर जो है यहाँ पे ख़ास तौर पे हमारे थर्ड कंट्री नेशनल के लोग जो होते हैं, जिनके पास ऑलरेडी नेशनलिटी होती है, तो वो यहाँ पे टिकते नहीं हैं, बल्कि कहीं आगे चले जाते हैं जहाँ का क्लाइमेट अच्छा हो। दोस्तों अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है लिमिटेड एंटरटेनमेंट फॉर किड्स। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना ज़्यादातर मतलब बच्चों के लिए कोई ऐसे अम्यूज़मेंट पार्क इतने ज़्यादा नहीं है, छोटे छोटे पार्क्स तो हैं, लेकिन जो है ना थीम पार्क हो गए, अम्यूज़मेंट पार्क हो गए, वो इतने ज़्यादा नहीं है। फिर यहाँ पे जो है ना वो सी नहीं है, जिसकी वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा लिमिटेड है यहाँ की एक्टिविटीज़ जो है ना, और ख़ासतौर पर बच्चों के लिए कोई ऐसे जो है वो इंटरटेनमेंट के नहीं है जैसे अमेरिका में है डिज़्नी पार्क, या आप मादाम दितुसात हो गया, ये इस टाइप की चीज़ें हो गई, तो इस वजह से भी जो है ना बच्चों के लिए थोड़ा सा ज़रा मसला है। और इसी वजह से जो है ना वो खास ज़ाहिर बात है ज़्यादातर जो लोग हैं वो बैचलर नहीं हैं, शादीशुदा होते हैं या अपने पार्टनर के साथ होते हैं, बच्चे होते हैं उनके, तो वो जो है इस वजह से यहाँ पे मतलब उनके लिए कोई ऐसा ख़ास वो नहीं है, इंटरटेनमेंट नहीं है। तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो हमारी, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और आप सोच रहे होंगे कि आज़म खान आप तो जो है वो हमेशा पॉजिटिविटी बताते हैं, लेकिन मैंने आज सोचा कि मैं आपको कुछ नेगेटिव चीज़ें भी लग्जमबर्ग के बारे में बताऊं, और ताकि आप जो है ना अगर बाय द वे अगर आप यहाँ पे सेटल डाउन होना चाहते हैं तो आपको पॉजिटिव के साथ साथ कुछ नेगेटिव चीज़ों का भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।